सुनील भैया को रहते 1 महीना हो गया है ना? एक महीना 5 साल। क्रिया बड़ी ताकतवर थी, छोटी क्रिया थी नहीं, ऐसे ही ना भाई? तो जिन पे छोटी क्रिया नहीं होती, क्रिया बड़ी ताकतवर होती है, उनका समय बीतता है। बस यहाँ समय कम बीतता है, बाहर कहीं समय 20-30 साल बीत जाते हैं, 40 साल बीत जाते हैं, और चीज ऐसी की ऐसी बरकरार। अब गौतम भैया ने बताया इनको, थोड़े बहुत एक देवी के तत्व रह गए, बाकी सब गायब हो गया। लेकिन मैं तो मनु भैया हूँ, मैं तो गौतम भैया की भी बात नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि मनु भैया को असल पता है और संसार में किसी को पता ही नहीं है। कोई किसी प्रेत वाले को ठीक कर ही नहीं सकता, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग मैदान छोड़ जाते हैं। जिस भूत प्रेत के नाम से कानपुर करौली वाले ने अरबों रुपया जोड़ लिया, अब वो कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे लोग जो पीछे एक दबाव पड़ा हुआ है, वे लोग जो बस्ट करने के लिए पड़े हुए हैं कि इसने संसार से इतना पैसा खा लिया, ठीक है, इसने इतनी बड़ी आध्यात्मिक लूट मचा दी, वे लोग अब जवाब मांगेंगे और जवाब किसी के पास है नहीं। आपका ज्ञान आधा अधूरा है, आपको पता ही नहीं है। कोई कहता है मनु भैया के गुरु नहीं है, जिसको भगवान दर्शन देते, देवता दर्शन देते, उसके गुरु देवता ही हुआ करते हैं, उसको पृथ्वी के किसी गुरु की जरूरत नहीं है। और ऐसे नंगड़ों फंगड़ों की तो जरूरत है ही नहीं है। आगे ना जो अपनी पूजा कराते हैं, ये भूत पूजा है। क्या पूजा है? भूत पूजा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो देवों को पूजेगा वो देवों को प्राप्त होगा, जो मुझे पूजेगा वो मुझ में जाएगा, और जो भूत पूजा करेगा वो भूतों को ही प्राप्त होगा। यहाँ भूत पूजा कहने का मतलब प्रेत पूजा से भी है और उन लोगों की पूजा से भी है जो इस पृथ्वी पर जीवित थे, महात्मा रूप में थे, संत रूप में थे, या तांत्रिक के रूप में थे। उनको आप अगर पूज रहे हैं जिनके शरीर को दबाया गया है, जो पहले भूत के रूप में थे, उनकी शुद्धि हुई नहीं है वो भूत से, इसलिए हम लोग जो है मरे हुए को भूत बोलते हैं, क्योंकि वो कभी भूत के रूप में था। हम पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है कि नहीं है? तो इसमें होता क्या है कि मैं नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि मुझे आराम है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो भूत पूजा करते हैं और अपने भूत को किसी के अंदर छोड़ते हैं, यानी कि जिसकी उसने गुरु बना के पूजा की है, जिस तत्व की, उस प्रेत रूप को वो आपके अंदर छोड़ता है ना। एक प्रेत रूप को हम निकालने के लिए करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कलवा पवन या अमर सिंह पवन की पूजा करते हैं, या ऐसे ऐसे बहुत सारे देवी देवता हमारे क्षेत्रों में घूमते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वे उनको आपके शरीर के अंदर भेजते हैं। तो कुछ लोग उनको आपके शरीर के अंदर बीमार करने के लिए भेजते हैं, कुछ लोग ठीक करने के लिए। तो जो ठीक कर रहा है उससे जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो जब भी वो पूजा करते हैं उन सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जो बीमार कर रहा है, मान लिया उसने पूरे जीवन में 200 लोगों पे अपनी क्रिया पैसे लेके वापिस की कि इनका उल्टा हो जाए, उसने किसी को मशानी छोड़ी या किसी ने अमर सिंह पवन को छोड़ा उल्टा करने के लिए, तो फिर जब भी वो पूजा करेगा वे सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे। खेल यही चल रहा है, इसके अलावा कोई खेल चल नहीं रहा। और ये इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है ना, संसार में कोई जान पा नहीं रहा। या तो आपके गण या भगवान का साथ, या आपका कोई पित्र ऐसा हो जो आपके घर में इन सब चीजों को ना घुसने दे, और वो भी दृष्टि उसकी क्या हो, बिल्कुल स्वस्थ दृष्टि हो, इतनी स्वस्थ दृष्टि हो कुछ हद, तभी वो आपकी घर की दहरीज के अंदर किसी को नहीं आने दे सकता, तभी आपका कुल सुरक्षित रह सकता है। और ऐसा तब हो सकता है जब आप भगवान की खुल के भक्ति करो, ओम नमः शिवाय ओम का जप करो। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ओम नमः शिवाय ओम क्यों जप, ठीक है ना। ये संसार पूरा ब्रह्मांड मलिन वायु से भरा हुआ है। इस संसार में एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मन के अंदर जो विचार होते हैं वो पिछले जन्मों से जन्मों तक के भरे होते हैं, वो इस जन्म में आके वो विचार प्रवृत्त हो जाते हैं। चूंकि इस कलयुग में मलिनता बहुत है, बाह्य वायु में वक्रता बहुत है, तो जैसे ही वो उत्पन्न होता है उसकी वो मलिनता जो है आगे आ जाती है और फिर वो बढ़ती चली जाती है, वो व्यग्र होता चला जाता है। आपने देखा होगा आज का आदमी बहुत बेचैन रहता है, व्यग्र रहता है और दुखी। मैं कह रहा हूं जिनके घर में सुख साधन के सारे साधन है, सुख आदि के, और सुख प्रधान है जिसका घर, जिसके पास जमीन है, खेती है, मौज है हर तरह की, वो भी व्यग्र रहता है, वो भी बेचैन रहता है। तो बाह्य वायु की वक्रता के कारण वो रहता है।
अगर वायु में वक्रता ना हो तो सब ईश्वर की प्राप्ति करें, वायु में मलिनता ना हो तो सब ईश्वर की प्राप्ति करें और सबको एक धन मिले, संतोष धन। लेकिन वो संतोष धन प्राप्त होने में आता नहीं है, आगे ना समझ, वो संतोष धन प्राप्त होने में आता नहीं है कि नहीं। जब वो संतोष धन प्राप्त हो जाता है हमें और वो बाह्य वायु की वक्रता के रहते हुए हमें प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए ओम जो है वो ऐसा शब्द है कि जैसे आप देखते हैं कि चावल के दाने पर चढ़ा हुआ कवच, जब तक वो कवच है तभी तक वो दाना उपजता है, जैसे ही वो उसके बाहर आ जाता है तब चावल कभी भी उपजता नहीं है, कितना ही फैला लो एक खेत में, लेकिन जब तक उसके ऊपर वो छिलका है तभी वो उपज, क्योंकि उसमें बाह्य वायु की वक्रता नहीं लगती है। आया समझ में? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अंडे का छिलका जब तक उसको ग्रहण किए हुए है तब तक उसमें जो है ना जीव पनपता रहता है, अगर उस छिलके को कच्चा तोड़ दिया जाए, पहले तोड़ दिया जाए तो उसके बाद उसमें जीव का देखना नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही है ना, क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आदमी ने इस पृथ्वी लोक पे जीवन जिया, चाहे वो संत था महासंत था, चाहे हमने जीते जी उसको भगवान माना, तो चाहे उसमें विवेकानंद जी आए, चाहे उसमें कोई भी संत आया भारत का, इसको भगवान भूत पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत पूजा कहते हैं। हालांकि जिसने विवेकानंद को भजा, जिसने उनको माना पूजा, उनके क्योंकि गुण श्रेष्ठ थे, क्या थे, लेकिन भगवान पूरी पूर्ति तो कहीं भी नहीं करता ना, अपने जैसा गुण तो किसी को भी नहीं देता, हम भगवान के गुण बहुत मात्रा में ग्रहण करते हैं अगर भक्त होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनको भी है ना, ऐसे आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं कर रहा, सामाजिक जीवन में हुक्का पीने की आदत थी और शरीर से ही गुण निस्सृत होते हैं। भगवान ने अपने जैसा कभी किसी को बनाया नहीं। एक लड़की पैदा उत्पन्न होती है, वो आज डॉक्टर है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब वो पैदा हुई थी तो उसकी देह से एक प्रकार की सुगंधी आती थी जो बहुत दिन तक आती रही, बाद में वो भगवान कृष्ण की प्रेयसी बनी, यानी कि भगवान कृष्ण को पूजने वाली बनी, तो मुझे उसके बारे में पता चला, बड़ी खुशी हुई, भारत में ऐसी विभूतियां पैदा होती है। आज वो बेशक डॉक्टर है लेकिन आज भी वो भगवान कृष्ण को मानने वाली है, पूजा करने वाली। तो ऐसा लाभ तो हमें जन्म जन्मांतर में पूजा के बल पर होता है कि हमने इस जन्म में भगवान की अच्छी भक्ति की, अगले जन्म में हमें अच्छी भक्ति होगी। माताएं बहनें बहुत पूजा करती है। मैं ये मानूं, मैं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक पढ़ा करता था, ठीक है ना, तो उसमें साधना के अनुभव आया करते थे, उसमें माताओं के अनुभव बहुत ज़्यादा थे, तब वो चिट्ठियाँ छपती थी कि मुझे ऐसे दर्शन हुए, मुझे ऐसे दर्शन हुए, मुझे ऐसे दर्शन। तो इस तरह से भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे। ये माताएं बहनें पहले बहुत पूजा करने वाली होती थी, इनकी पूजा का सारा विस्तार जगजीवन जो है हम ब्राह्मणों ने बिगाड़ दिया। मैं ब्राह्मण हूँ आपको ना पता हो, लेकिन कौन कहता है कि भगवान ने चार वर्ण बताए और उसमें जाति भेद नहीं बताया। ठीक है, मैं कल से आपको गीता पढ़ानी चालू कर दूंगा, ठीक है, और गीता के मर्म को समझाना चालू कर दूंगा, तो रोजाना गीता के एक श्लोक को तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी बिना भेदभाव के, जो समाज में आज भेदभाव दिख रहा है, बिना किसी भेदभाव के आपको अपना मंतव्य समझाती है, जिसको हर युग में पढ़ा जा सकता है। जैसे भगवान ने 5000 वर्ष पहले गीता कही, कितने वर्ष पहले, और भगवान जिक्र करते हैं कि उससे 5000 वर्ष पहले मैंने सूर्य को ये बातें बताई, है ना, तो कितने वर्ष हो गए, 10000 वर्ष पहले उन्होंने सूर्य को बताई और 5000 वर्ष पहले हम सबको बताई, लेकिन उसमें एक भी बात ऐसी नहीं पाई जो धर्म विरुद्ध हो, किसी के भी, हमारे ही हमारे नहीं, किसी के भी धर्म विरुद्ध। इसलिए वो सनातन है वो ज्ञान। सनातन ज्ञान क्या होता है कि उपज जाए चाहे कितने भी, सब पर वो लागू
हो जाए। जैसे कोई अल्लाह वाला है तो वो भगवान के इस श्लोक को कि अर्जुन अगर तू भ्रमित हो रहा है तो मेरी शरण में आ जा। क्योंकि बहुत सारे लोग पीरों की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, तो अगर तू भ्रमित हो रहा है तो मेरी शरण में आ जा। लेकिन आप जिस पीर की पूजा करेंगे वैसे ही गुण आपको मिल जाएगा। जैसे मैं शनि की पूजा करता हूँ वैसे ही गुण प्राप्त हो जाते हैं आप। मैं भगवान शंकर की पूजा करता हूँ उसमें से कुछ गुण ग्राह्य हो जाते हैं। मैं साबिर पिया की पूजा करता हूँ तो साबिर पिया का क्या व्यक्तित्व था वो सारी दुनिया जानती है कि मुस्लिमों में ऐसे भक्त होना बड़ी कठिनता है, ठीक है, और हिंदुओं में भी ऐसे भक्त होना बड़ी कठिनता है। आज के भक्तों को आप देखते हैं तो उनको क्या है, वो 24 घंटे अल्लाह के ध्यान में खोए रहते थे। कोई किसी को भी भजे, जिस नाम को भजेगा उसी के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तू जिसको पूजेगा मैं तेरी श्रद्धा उसी में उन्नत कर, मतलब तोड़ूंगा नहीं मैं तेरी श्रद्धा। अगर तू राक्षस को पूज रहा है तो राक्षस की प्राप्ति करेगा, आगे ना प्रेत को पूज रहा है तो प्रेत की प्राप्ति करेगा, ठीक है। और उस प्रेत को भी आदेश देता है कि भैया पूज रहा है तुझे, अगर तू है तो इसी में आ, आगे तो अगले दिन से वो खेलना चालू हो जाएगा। अमर सिंह पवन का होगा, अमर सिंह पवन आ जाएगा उसमें अगले दिन से। को बावरी को पूछता होगा अगले दिन बावरी आ जाएगा। कोई मशानी को पूछता होगा उसकी तरंग मिलते ही खेल लेगा, है क्या? ये खेलने का काम तो ये है ना, जो तरंग रहते हैं ना वो शरीर में ऐसे घूमती है ना, उसको नहीं पता चलता मैं क्यों खेलता हूँ, आगे ना वो वायु ही तो है, आगे ना, लेकिन उसमें भी भेद है। एक है कुपित वायु, कुपित वायु में 5 प्रकार की वायु शामिल है, उसमें आपका पितृवायु, आगे ना प्रेत वायु, देव दोष की वायु, है ना, किसी अभिशाप की वायु, ये वायु है, ये तरंग है, ये आपके अंदर घुस जाती है। जैसे फोन की तरंगें घूमती है ना, तो फोन की तरंगों को पकड़ लोगे अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, तो जो गाली की वायु है, एक गाली की वायु मिलेगी ना, कोई गाली देता हुआ मिलेगा फोन, है ना, ऐसे साधन है ना दुनिया में, सैटेलाइट के जरिए और बहुत सारी चीज़ों के जरिए उन तरंगों को पकड़ा जाता है। तो अमेरिका वाले उसका शोध कर देते हैं, संसार में कैसे कैसे शब्द भ्रमण करते हैं वो उसको ढूंढते हैं। तो उसमें जो हिंदुस्तान की सरजमी है, जहाँ जहाँ वहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र है, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र है आध्यात्मिक, चाहे वो सिख क्षेत्र है आध्यात्मिक, तो वहाँ वहाँ की तरंगों में और जगह की तरंगों में क्या मिलता है, बदलाव मिलता है। कहीं गालियाँ ही गालियाँ चल रही है फोन पे माँ बहन की, है कि नहीं, कहीं कुछ चल रहा है कहीं कुछ चल रहा है, तो इस तरह की तरंगें ये घूमती है, उसी तरह की तरंगें हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। लेकिन जो उत्कृष्ट तरंगे हैं वे केवल पुकारने पे ही हमें, लेकिन जो निम्न स्तर की तरंगे हमें पुकारने पे नहीं मिलती, जबरदस्ती कानों में आ पड़ती है। आपने देखा ना बहुत बार हम कान बंद करके बैठे रहते हैं तो जो गाली दे रहा है ना उसकी गाली तो सीधी हमारे कान पे प्रभाव डाल देती है। ऐसे ही आप चल रहे हैं उल्टे, कोई आपको गाली दे के बात करे आप एकदम से देखें, राम राम कर ले आप ना देखें, गाली दे के बात करता हो तो एकदम से देखेंगे यार इसने मुझे गाली दी, फिर खोपड़ी खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं है, क्या हो जाएगा, दिमाग खराब। एक टाइम में गालियों का भी प्रभाव बंद हो जाता है। आप देखते हैं ये संसार की निम्नता है, क्या है, निम्नता है संसार की। संसार उसी स्तर पे जीता है, लेकिन इसलिए हमने आध्यात्मिक क्षेत्र बनाया कि हम जब वहां जाएं तो हमें वो तरंगे विशेष मिले और वायु की वक्रता हमें प्रभावित ना करें, और जब हम मंदिर के अंदर बैठे है ना तो हमें उसका लाभ मिले। तो मंदिर के अंदर जब घंटा गूंजता है वो जो गूंज होती है ना वो हमारी वायु की वक्रता को खत्म करती है। इसलिए हम घर की मंदिर में भी घंटी बजाते हैं, जो शंख ध्वनि है, ठीक है, घंट ध्वनि है, और इसके अलावा जो करतल की ध्वनि है इससे ऐसे ना ऐसे बजाते हैं ना। इसलिए कहीं भी आप जाते हैं हिंदुओं में ज़्यादातर तालियाँ बजाई जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग शांति के साथ जप करते हैं, आँख बंद करके जप करते हैं, मैं देखता हूँ मुस्लिमों में हिल हिल के जप करते हैं, आगे ना, हिल हिल के जप करने से भी यह है कि जो आपकी कुंडलिनी का स्रोत है वो आधार जो है वो छोड़ दे, और जब वो आधार छोड़े, क्योंकि अंदर से आपका सूक्ष्म शरीर है जो वो हिलता है, अंदर से आपका स्थिर कुछ नहीं है, जिस दिन स्थिर हो जाएगा उस दिन सब कुछ स्थिर हो जाएगा, उस दिन सबके लिए स्थिर हो जाता है, जिस दिन यहाँ पे स्थिर हो जाता है। तेरा नाम दिव्या है क्या बेटे, दिव्या है इसका नाम,
अरे इसका तो नाम याद हो गया मुझे, तो इस तरह से। लेकिन जो वायु की वक्रता है ये हमें मार देने वाली है। ईश्वर तो बुलाने से ही आएगा और जो अच्छी तरंग है वो पुकारने से ही आती है, इसलिए हमें पूजा करने की आवश्यकता। लेकिन जो शैतान है वो कभी भी पुकारने से नहीं आता, वो बिना पुकारे आता है, आपके शरीर में आके प्रविष्ट हो जाता है। मैं एक लड़के से पूछता हूँ, आप यहाँ से कितने परसेंट ठीक हुए हो नीरज, बताइए जरा। 80% ठीक हो गए, 20% ये इसलिए मानता है क्योंकि 20% इनके घर में रोजाना क्रिया होती है। इसकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन चूंकि ये पास रहता है, मेरे पास आता रहता है, आता रहेगा, लाभ लेगा। इन्होंने सब जगह जाके देख लिया, बीच में भी यहाँ से छोड़ के जाके देख लिया, लेकिन फिर वापिस आ गए क्योंकि इनको समझ में आ गया कहीं और कुछ रखा नहीं है, आप केवल पैसे के अलावा कुछ और झोंकते नहीं है मैडम। जितने भी लोग भूत प्रेत निकालने वाले बैठे हैं उनका एक पैसे का काम नहीं है, वो आपसे लाखों रुपए बटेरने के चक्कर में रहते हैं। उनका दिमाग केवल आपकी जेब पे है। किस पे है? किस पे है? ऐसा कौन कौन मानते हैं जो मेरी बात से सहमत है कि लोग ऐसा ही करते हैं जितने भी भूत प्रेत निकालने वाले? इसका मतलब आप सब ठगे जा अब मैं आपको बताता हूँ, बनू भैया के यहाँ ये सब खर्चे चलाने के लिए, आपका मंदिर बनाने के लिए, आगे स्थान बनाने के लिए केवल 2100 रुपए की बलि है आजीवन भर की, वो भी पूरे परिवार के सही। कोई एक आदमी आके मुझे ये कह दे कि मैं 5 साल पहले आया था, उस समय मेरी पत्नी ठीक हुई थी, अब मेरी बच्ची बीमार है, और अगर वो ये कह दे कि मनु भैया ने आपसे पर्ची कटवाई है दोबारा, ठीक, तो आपका जूता होगा मेरा सर। जबकि पहले घर में कोई और बीमार था, एक बार डॉक्टर आपका इलाज करता है, आपको 3 दिन बाद बुखार चढ़ जाता है, दोबारा फीस लेता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह से आपकी फीस ना लेता। तो बताइए, अगर मैं पैसे कमाने के लिए बैठा हूं तो आप ही लोग 1 दिन में 1 करोड़ रुपया जोड़ के जाएंगे, फिर 10-15 हजार रुपए से काम नहीं चलेगा। आगे ना, और एक बार मेरा लालच बढ़ गया तो समझो आपकी जेब उतार दी, खाल उतार दी। वो तो मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे लोभ नहीं है। काम आदि मद्दम विस्तारा देव जला लगा। जब मैं खुद ये लिख रहा हूँ तो वैसा वक्तव्य भी तो होगा, भगवान ने वैसा बनाया भी तो होगा, तभी तो लिखता है आदमी, है अंतर के भाव कि नहीं। ओम सर 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 शोरी सरदारा दुख झेले क्यों दास, मुझे उस दुख से उस संकट से उबरना है जो संसार में व्याप्त है, और वो संकट एक ही है, वो संकट एक ही है, और वो है कि जो ड्यूअल जिंदगी हम जी रहे हैं, शरीर के अंदर शैतान है, ठीक है, इसलिए हमारे मन में मैल है, हमारे मन में भेद है। जब शरीर के अंदर का शैतान निकल जाएगा तो कलयुग की परिभाषा ही, एक घर है जिसमें रोजाना लड़ाई होती है उसमें कलयुग चल रहा है, एक घर है जिसमें 15 दिन में लड़ाई होती है एक बार उसमें त्रेता चल रहा है, एक घर है जिसमें 6 महीने में 4 महीने में एक बार लड़ाई होती है उसमें द्वापर चल रहा है। भगवान राम के युग में कलह थी कि नहीं थी, बोलो हाँ कि ना। अब कलह थी तो उनकी तीसरी माता ने कलह उत्पन्न की कि नहीं की, है कि नहीं। अब कलह थी तो एक धोबी ने ताना मार के कलह उत्पन्न की कि नहीं की, है। और कलह तो सतयुग में भी होती है सही मायनों में, जो सतयुग के राजा हरिश्चंद्र थे उनके जीवन में भी कलह उत्पन्न हुई, है कि नहीं। लेकिन तब पत्नी कहना मानती थी, अब कोई कह देना अब मुझे जेल में रहना पड़ेगा और पत्नी को पता चल जाए इसके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा तो वो जेल से बाहर निकलना पसंद करेगी, अपनी दूसरी शादी पर करना पसंद करेगी और उसको त्याग देगी, चल और 10 गाड़ी देगी। अब पुलिस वाले को कह देगी मेरा इससे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, मैंने ना खाया ससुरे का कुछ भी, चाहे वो सारी उम्र चोरी करके उसी को देता, ऐसा ही है ना महाराज। हाँ, कोई पुलिस में हम तो बता देना ऐसा ही है। कभी बात को मूल ये है कि जो हमारे शरीर के अंतस्त बैठा हुआ है वो मलिन वायु है,
वो मलिन क्रिया है, वो हमें लगने वाला कोई शाप है, वो कोई नजर का दोष है, वो पांच रूपों में हमारे शरीरों में इसका भेद तो कभी किसी ने बताया नहीं। आगे ना, अब उस तत्व में मलिनता बहुत प्रकार की होती है। किसी के उसी मलिन वायु तत्व में काम की अधिकता होती है, तो वो जिन स्त्रियों पे जिन पुरुषों में रहता है वो काम के ही भाव देता। आगे ना, मैं एक बहन की बात बताता हूँ। वो बहन कहती थी कि भैया आज मैं आपको बताती हूँ, आज मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन एक टाइम मेरा ऐसा था कि मैं जिस भी पुरुष को देखती थी ऐसा सोचती थी कि ये मेरे साथ कुछ करे। कितनी बड़ी बात है, आया समझ में? फिर ऐसे ही कई लड़के मुझे मिले जिनकी मलिनता इतनी अधिक बढ़ गई कि माँ को देख के बहन को देख के उनको वही विचार 24 घंटे चलते थे। आया समझ में, है ना? और ऐसी ही चीजें हमारे समाज में दुष्कर्म आदि का रूप ले लेती है। ठीक है, तो कई बार हम अपने मन का दंश नहीं झेल रहे होते कि जरूरी नहीं हमारे मन में सारी मलिनता है। ठीक है ना, कोई और मन भी हमारे अंदर घुस सकता है, उसको हम शत्रु मन जान सकते हैं, उसको हम प्रेतादिक जान सकते हैं, उसको हम पितरादिक जान सकते हैं, जो व्यग्र होके मरा है, जो व्याकुल होके मरा है, जो बेचैन होके मरा है, जिसको संसार के पदार्थों की इच्छा थी, जिसको भगवान की इच्छा कभी लगी नहीं, ऐसे व्यक्तियों के जो मन है जो हमारे शरीर के अंदर वक्रता के रूप में घूम रहे हैं तेजी के साथ, और केवल वो सूक्ष्म बिंदु जैसे हैं। कितने विस्तार से मैंने बताया जो संसार में कभी किसी ने नहीं बताया, किसी की खोज ही नहीं। अगर आपको पता करना है कि आपके शरीर में प्रेत है, केवल आंख बंद कीजिए और मानसिक जप कीजिए ओम नमः शिवाय ओम का, आपको खुद ही पता चल जाएगा 5 मिनट के अंदर आप प्रेत ग्रस्त है या, और अभी आपकी चीज बची हुई है या। प्रेत वालों को तो मैं आंख भर के भी देख लेता हूं, तो आपको पता है उसका क्या हाल होता है। वो प्रेत ऊपर आ जाता है एकदम से, या तो उसकी हाजिरी चालू हो जाती है, या उसको दबाव पड़ना चालू हो जाता है, या उसको घबराहट होनी चालू हो जाती है। वो केवल इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक दोष रहता है, उस तत्व रहता है, और हमारी नजर उसको ढूंढती है।